दृष्टि आई एस के टूडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से जिसमें हमने आपसे पूछा था इंडो पैसिफिक एंडेवर यानी आई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए ये ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख क्षेत्रीय जुड़ाव कार्यक्रमों में से एक है ऑप्शन बी था यह 2022 में शुरू हुआ ऑप्शन सी था इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक गैसों के भंडार का पता लगाना है और ऑप्शन डी था यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यह ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख क्षेत्रीय जुड़ाव कार्यक्रमों में से एक है आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है चलिए आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं इंडो पैसिफिक एंडेवर यानी आईपीई ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख क्षेत्रीय जुड़ाव कार्यक्रमों में से एक है यह साल सितंबर से नवंबर के बीच दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वोत्तर हिंद महासागर में मौजूद रिकॉर्ड चौदह देशों का दौरा कर लौट रहा है आई 2022 में मालदीव तिमोर तिमोरलेसे वियतनाम फिलीपींस, बांग्लादेश श्रीलंका लाओस कम्बोडिया भारत थाईलैंड मलेशिया सिंगापुर ब्रुनेई और इंडोनेशिया शामिल हैं। यह कार्यक्रम वर्ष दो में ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल द्वारा एक समन्वित वार्षिक गतिविधि के रूप में शुरू हुआ यह 2016 के रक्षा श्वेत पत्र में उल्लेखित ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रीय सुरक्षा बलों के साथ साझेदारी को मजबूत करने के वादे को पूरा करने के लिए लाया गया था इसका मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय जुड़ाव प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया के निकट क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना है ऑस्ट्रेलिया इस क्षेत्र में मानवीय और सुरक्षा प्रयासों में प्रभावी योगदान देने के लिए प्रतिबद्धता दिखा रहा है इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए ये ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख क्षेत्रीय जुड़ाव कार्यक्रमों में से एक है चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कथन एक है यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित है कथन दो है ये वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए जारी रखा गया है उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों और न तो एक न ही दो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो कथन ही सही है चलिए एक्सप्लेनेशन से बात समझते हैं हाल ही में भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को अधिसूचित किया है अतः कथन एक सही नहीं है मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को जारी रखा है अतः कथन दो सही है इस तरह विकल्प बी सही हुआ इस कार्यक्रम को दो चरणों में लागू करने की सिफारिश की गई है कार्यक्रम के पहले चरण को आठ करोड़ रुपए के बजट परिवय के साथ अनुमोदित किया गया है राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम में निम्नलिखित उपयोजनाए शामिल होंगी पहली बड़े बायोगैस बायो, बायो सीएनजी एन और बिजली संयंत्रों की स्थापना में सहायता के लिए अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम दूसरी बिजली उत्पादन और गैर खोई आधारित बिजली उत्पादन परियोजनाओं में उपयोग के लिए पैलेट और ब्रिकेट की स्थापना का समर्थन करने के लिए बायोमास कार्यक्रम और तीसरा ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार और मध्यम आकार के बायोगैस की स्थापना में सहायता के लिए बायोगैस कार्यक्रम इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी केवल दो कथन ही सही है चलिए अगले प्रश्न देखते हैं मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव यानी एम समिट के बारे में क्या सही नहीं है इसे मिश्र में कॉप ट्वेंटी सेवन के दौरान लॉन्च किया गया है यह जलवायु पर अपनी तरह का पहला क्षेत्रीय संवाद है जो मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र के नेताओं को एक साथ लाता है यह दुनिया का सबसे बड़ा वनीकरण कार्यक्रम होगा या फिर इसका नेतृत्व सऊदी अरब कर रहा है इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए इसे मिश्र में कॉप ट्वेंटी सेवन के दौरान लॉन्च किया गया है यह कथन जो है गलत है चलिए आगे की बात एक्सप्लेनेशन समझते हैं हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने कॉप ट्वेंटी सेवन के दौरान मिश्र में आयोजित मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट दो को संबोधित किया पहला मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट पच्चीस अक्टूबर दो को रियाद में आयोजित किया गया था इसलिए विकल्प ए सही है यह समिट जलवायु पर अपनी तरह का पहला क्षेत्रीय संवाद है जो मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र और उससे आगे के नेताओं को एक साथ लाता है मिडिल ईस्ट ग्रीन दुनिया का सबसे बड़ा वनीकरण कार्यक्रम होगा साथ ही यह पेरिस समझौते के तहत तय उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा सऊदी अरब मिडिल ईस्ट ग्रीन समिट का नेतृत्व कर रहा है इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए इसे मिश्र में कॉप ट्वेंटी सेवन के दौरान लॉन्च किया गया है यह कथन गलत है इसके अलावा सभी दिए गए कथन सही हैं चलिए अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत के विधि आयोग के बारे में सही नहीं है पहला विधि आयोग उन्नीस में स्थापित किया गया एम तलवार विधि आयोग के पहले अध्यक्ष थे यह एक वैधानिक निकाय है या फिर पहले आयोग के बाद से प्रत्येक चार साल की अवधि के लिए इक्कीस विधि आयोग नियुक्त किए गए हैं इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी एम सी सीतलवाड़ विधि आयोग के पहले अध्यक्ष थे यह कथन जो है सही है बाकी के सभी कथन गलत हैं चलिए एक्सप्लेनेशन से बात समझते हैं हाल ही में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को बाईसवे विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया केंद्र सरकार ने 1955 में भारत के तत्कालीन महान्यायवादी एम सी सीतलवाड़ की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की तब से इक्कीस विधि आयोग नियुक्त किए गए हैं जिनमें से प्रत्येक का कार्यकाल तीन साल का है यह एक गैर साविधिक निकाय है जो भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा गठित किया जाता है ये कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करता है और सरकार को इसके संदर्भ में सिफारिशें करता है अतः विकल्प बी सही है इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी एम सी सीतलवाड़ विधि आयोग के पहले अध्यक्ष थे ये कथन सही है बाकी की सभी कथन जो है वो गलत है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सेवेंटी फाइव क्रिएटिव माइंड से संबंधित है ग्राम पंचायतों में जल संरचनाओं का कायाकल्प अनुसंधान और विकास में निवेश उभरते फिल्म निर्माताओं को मान्यता या फिर सबसे जटिल सामाजिक मुद्दों का समाधान इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी उभरते फिल्म निर्माताओं को मान्यता भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का त्रेपनवा संस्करण गोवा में आयोजित होने जा रहा है सेवेंटी फाइव क्रिएटिव माइंड दुनिया भर के किसी भी फिल्म समारोह में भाग लेने वाला सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक दिमाग का एक अनूठा सम्मेलन है इसका प्राथमिक उद्देश्य उन नवोदित फिल्म निर्माताओं को पहचानना और उनका जश्न मनाना है जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है और जो दुनिया भर की मीडिया और मनोरंजन उद्योग के सर्वश्रेष्ठ भागीदारों को जोड़ने में सक्षम है यह अपनी तरह की एक अनूठी सभा है जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का एक प्रमुख घटक है इसका उद्देश्य युवा प्रतिभाओं को प्रेरित करना कल्पना करना विचार करना और सर्वश्रेष्ठ से सीख कर एक अनुभव प्रदान करना है अतः विकल्प सी सही है इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी उभरते फिल्म निर्माताओं को मान्यता चलिए अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किसे भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है संस्कृत तमिल उड़िया या फिर बंगाली इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी बंगाली 2004 में भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा नामक भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया 2006 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए 2019 तक छह भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है जिनमें तमिल संस्कृत तेलुगु कन्नड़ मलयालम और उड़िया शामिल है इसलिए विकल्प डी सही है किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के मानदंड है 1500 से 2000 वर्षों की अवधि में इसके प्रारंभिक ग्रंथों या साहित्य का इतिहास हो प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक समूह जिसे वक्ताओं की पीढ़ी द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो और एक मूल साहित्यिक परंपरा हो जो किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार नहीं ली गई हो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी बंगाली चलिए अगला प्रश्न देखते हैं लखपति दीदी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना है कथन दो है इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाना है उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों और न तो एक न ही दो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक कथन है जो सही नहीं है चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात समझते हैं हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने देहरादून में लखपति दीदी मेले का उद्घाटन किया अतः कथन एक सही नहीं है यह महिला स्वयं सहायता समूह यानी एस को बिना ब्याज के पाँच लाख रुपए का ऋण प्राप्त हुआ इसके जरिए तो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है उत्तराखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने 2025 तक एक दशमलव पच्चीस लाख महिलाओं को सशक्त बनाने की योजना बनाई है इसलिए कथन दो सही है इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए केवल एक कथन जो है वो सही नहीं है दूसरा जो कथन है वो सही है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं ये समापन का प्रस्ताव कब लाया जाता है जब समय की कमी के कारण किसी विधेयक या प्रस्ताव के किसी खंड पर बिना चर्चा हुए मतदान के लिए रखा जाता है इस समापन प्रस्ताव का क्या नाम है साधारण समापन क्लोजर बाय कंपार्टमेंट कंगारू समापन या फिर गिलोटीन समापन इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी समापन चलिए एक्सप्लेनेशन से बात समझते हैं समापन प्रस्ताव एक सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को कम करने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव है यदि प्रस्ताव को सदन द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो बहस को तुरंत रोक दिया जाता है और मामले पर मतदान किया जाता है बंद करने के प्रस्ताव चार प्रकार के होते हैं पहला है साधारण समापन ये तब होता है जब कोई सदस्य प्रस्ताव पेश करता है कि विधेयक पर पर्याप्त रूप से चर्चा की जा चुकी है और अब इस पर मतदान किया जाए दूसरा प्रस्ताव होता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। इस मामले में बहस शुरू होने से पहले एक विधेयक या एक लंबे संकल्प के खंड को भागों में बांट बहस के लिए रखा जाता है और बहस के बाद पूरे हिस्से को वोट के लिए रखा जाता है एक अन्य प्रस्ताव कंगारू प्रस्ताव है इसके तहत केवल महत्वपूर्ण खंड बहस और मतदान के लिए रखे जाते हैं तथा तो बाकी खंडों को छोड़ दिया जाता है और उसे भी पारित मान लिया जाता है इसी तरह गिलोटीन समापन का प्रस्ताव होता है यह तब लाया जाता है जब समय की कमी के कारण किसी विधेयक या प्रस्ताव के किसी खंड पर बिना चर्चा किए मतदान कराना होता है इसलिए विकल्प डी सही है इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी गिलोटीन समापन अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वर्डिटर फ्लाई की सबसे अच्छी व्याख्या करता है पक्षी संधारी कीड़े या फिर सरीसृप इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पक्षी हाल ही में प्रवासी पक्षी वर्डिटर फ्लाई कैचर को पहली बार तिरुपुर के नंजारायण टैंक पक्षी अभ्यारण में देखा गया वर्डिटर फ्लाई कैचर एक पुरानी दुनिया का फ्लाई कैचर है जो हिमालय से दक्षिण पूर्व एशिया से सुमात्रा तक पाया जाता है इस प्रजाति का नाम कॉपर सल्फेट नीले रंग की अपनी विशिष्ट छाप के कारण रखा गया है नर के शरीर के सभी क्षेत्रों पर गहरा नीला रंग पाया जाता है जबकि मादा का रंग हल्का नीला होता है यह एक स्थलीय पक्षी है जो मॉस्को प्रवास करता है इसकी आयु से स्थिति लीस्ट कंसर्न है इसलिए विकल्प ए सही है तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए पक्षी अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने हाल ही में एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड एवोल्यूशन सुविधा के लिए सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का हल मॉड्यूल लॉन्च किया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारतीय नौसेना भारतीय तटरक्षक या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सोनार सिस्टम के लिए एक परीक्षण एवं मूल्यांकन सुविधा शुरू की है इसलिए विकल्प ए सही है स्पेस नामक ये सुविधा आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को गति देने के लिए शुरू की गई है स्पेस का पूरा नाम सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकोस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड एवोल्यूशन फैसिलिटी है डी ने स्पेस फैसिलिटी का हल मॉड्यूल कोची स्थित नौसेना भौतिक और समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला यानी एनपीओएल से लॉन्च किया है स्पेस सुविधा एक अत्याधुनिक प्रणाली है जिसे जहाजों पंडुबियों और हेलीकॉप्टरों सहित अन्य विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर भारतीय नौसेना के उपयोग के लिए विकसित किया गया है इसका निर्माण हाइल टी शिप बिल्डिंग चेन्नई द्वारा किया गया इसका उपयोग मुख्य रूप से सुनार प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए किया जाएगा स्पेस सुविधा की खासियत विशेष रूप से डिजाइन किए गए सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म में निहित है जिसे सिंक्रोनस संचालित विंच की एक श्रृंखला का उपयोग करके सौ मीटर की गहराई तक उतारा जा सकता है इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अगला प्रश्न है भारतीय कला और संस्कृति के संदर्भ में दुमहाल है हरियाणा का लोक संगीत कश्मीर का लोक नृत्य उड़ीसा में रंगमंच का रूप या फिर आंध्र प्रदेश में कठपुतली इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कश्मीर का लोक नृत्य दुमहाल कश्मीर का एक लोकप्रिय नृत्य है यह नृत्य बट्टल जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है जो लंबे और रंगीन कपड़े पहनते हैं वे मोतियों और सीपियों से सजी लंबी शंखवाकार टोपियाँ भी पहनते हैं दुमहाल नृत्य के साथ ऐसे गीत होते हैं जिन्हें कलाकार स्वयं गाते हैं और ड्रम बजाते हैं यह नृत्य एक बैनर के चारों किया जाता है जिसे नृत्य शुरू होने से पहले नृतकों द्वारा लाया जाता है और जमीन में रखा जाता है इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी कश्मीर का लोक नृत्य चलिए अब आज के एपिसोड के अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नया चांद ऑप्शन बी बसंत विशु ऑप्शन सी पूर्ण चंद्र या फिर ऑप्शन डी शरद विशुव तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूले जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों और जानकारियों के साथ तब तक के लिए शुक्रिया